Karimanati, Round to Hell and many other YouTube creators have lost millions of rupees. And they lost it not because of their own fault but because of YouTube. Now, the amount jo in creators ne lose kiya hai is so huge for a creator that I was shocked and I guess you will be as well. So let's first calculate the amount ki approximately inhone kitna lose kiya hoga. Then we will dive into ki who is actually responsible for this. So let's take example of Karimanati. Now कैरी के वीडियोस पे जो व्यूज आते हैं वो वही 25 टू 40 मिलियन के बीच में ऑसिलेट करते हैं, मतलब इसी के रेंज में उसके व्यूज आते हैं। तो हम यहाँ से ये मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज उसके हर एक वीडियो पे 30 मिलियन व्यूज आते हैं। और अगर आपने 8 मिनट से ज्यादा लेंथ की वीडियो बनाई है तो आपके वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज अगर आते हैं तो आपको 30,000 इंडियन रुपीज मिल जाते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी। सो विद दिस डेटा लेट अस कैलकुलेट कि अगर Karimanati को 30 मिलियन व्यूज आते हैं तो उसको एक वीडियो से कितनी यूट्यूब से अर्निंग होती होगी। सो 1 मिलियन व्यूज पे मिलता है 30,000 रुपीज, 30,000 × 30 दैट इज 9 लाख इंडियन रुपीज। Now this is what Karimanati makes अगर उसके वीडियो पे किसी भी तरीके का कोई restrictions नहीं होता है, यानी copyright claims या और भी किसी तरह के restrictions नहीं होते हैं तो। But क्योंकि कैरी ज्यादातर roasting videos बनाता है तो वो अपने वीडियो में sometimes he uses inappropriate words and using these words actually enhances his content। But YouTube की बहुत लंबे टाइम से एक पॉलिसी थी कि अगर कोई अपने वीडियो में offensive words यूज करता है तो उसका वीडियो या तो demonetize हो जाएगा या फिर 18 plus के लिए वो restrict हो जाएगा। अब दोनों ही सिचुएशंस में ऑब्वियस सी बात है कि YouTube रेवेन्यू बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। एंड ऑफेंसिव वर्ड्स यूज करने की वजह से ही ना सिर्फ Karimanati बल्कि अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स जो इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं उनके वीडियोस या तो डिमोनेटाइज हो गए या फिर रिस्ट्रिक्ट हो गए। सो नाउ लेट्स अज्यूम कि Karimanati के 5 ऐसे वीडियोस थे जो डिमोनेटाइज हो गए बिकॉज ऑफ दिस ऑफेंसिव वर्ड्स। तो अगर उसके 5 वीडियोस डिमोनेटाइज हो गए और हर वीडियो पे ऑन एन एवरेज वो 9 लाख रुपीज की अर्निंग कर सकता था तो ही एक्चुअली लॉस्ट 45 लाख इंडियन रुपीज, which is a huge amount for small creators, for students like us, right? पर अब अच्छी बात यह है कि YouTube has updated its policies, तो अब अगर आप अपने videos में offensive words use भी करते हो तो आपके videos demonetize या restrict नहीं होंगे। अब हिंदी में कौन से offensive words आप use कर सकते हैं कौन से नहीं ये तो नहीं बताया, पर हाँ English के कुछ words हैं जो इन्होंने बताए हैं, as an example आप देख सकते हो। तो अब अगर आपको ऐसा लगता है कि offensive words use करने से आपका content enhance होगा, vulgar नहीं क्योंकि Karimanati या इस तरह के जो भी creators हैं जो ये इस तरह के words use करते हैं they actually use it very strategically, जो उनके content को vulgar नहीं बनाता बल्कि और अच्छे से enhance करता है। So अगर आप भी ये कर सकते हो then you can use some offensive words, लेकिन आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको किसी को target करके उस पे offensive words use नहीं करने, वरना वो legal actions ले सकता है and then you'll be in a lot of trouble my friend। So, इसका आपको ध्यान रखना है। और मेरे ओपिनियन में अगर आप ऑफेंसिव वर्ड्स यूज नहीं करते हो देन दैट इज द बेस्ट केस, क्योंकि बिना ऑफेंसिव वर्ड्स यूज किए भी आप बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, लोग क्रिएट करते हैं। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप YouTube चैनल के लिए लो कॉम्पिटिशन चैनल आइडियाज ढूंढ रहे हैं तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।